हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम आ गए कैमूर ज़िले में। अभी हम हैं भभुआ स्टेशन पे, जो कि कैमूर ज़िले में आता है ये। और यहाँ से अभी हमें बस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं है। आज हम जाएंगे तिलहरकुंड। तिलहरकुंड जाने के लिए कोई भी ट्रेन का रास्ता नहीं है, तो हमें यहाँ से बस से जाना पड़ेगा। अभी स्टेशन से ई रिक्शा से आगे बस स्टैंड के पास, और यहाँ पे ये है इसका बस स्टैंड। स्टेशन से बस स्टैंड लगभग 1.5 किलोमीटर है। ई रिक्शा से यहाँ बस स्टैंड के पास आ गए, और यहाँ से अभी जाएंगे भभुआ, जो कि भभुआ का अलग नाम है। भभुआ रोड स्टेशन है और भभुआ अलग जगह है। वहाँ से फिर हमें बस चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद तिलहरकुंड जाएंगे वहाँ से। ये मंदिर है, और रास्ते में जाने टाइम में इसमें दान करना शुभ माना जाता है। और यहाँ से जितनी बार भी गुजरते लोग यहाँ 100% कुछ ना कुछ दान देते ही हैं। फाइनली यहाँ पे तिलहरकुंड के पास पहुँच गए। भभुआ से बस पकड़े थे और यहाँ हमें ला करके उतार दिया। पूरे रास्ते में सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी था, मतलब ये जो पीछे देख रहे हैं वहाँ पहाड़ी है पूरा A to Z। मैंने थोड़ा सा क्लिप भी लिया था पहाड़ का, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, क्लिप मैं डाल दूंगा। और ये बस सीधे चली गई, क्योंकि यहाँ का कोई सवारी रहता नहीं, 1% आता है, जो टूरिस्ट रहता है वही घूमने के लिए आता है। और यहाँ से अभी झरना सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है, जो कि इसका ये रास्ता गया हुआ सीधा। तो चलते हैं वहाँ पर अभी झरना के पास और करते हैं इन्जॉय। फिर कल हम लोग गए थे धुआकुंड, और वहाँ ऐसी बुरी तरह से फंसे थे पूछो मत। मतलब इस तरह का हुआ था कि तार पर से उतरे और खजूर पर लटके। कार में लिफ्ट मिल गया था, तो पहाड़ से नीचे ताराचंद तक आ गए थे। और वो ऐसा एरिया था ना, मतलब पूरी तरह से रूरल एरिया है, जो वहाँ मतलब 6 बजे के बाद एक भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही बस मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोला कि खजूर पर लटका, क्योंकि वहाँ से तो आगे पहाड़ पर से ठीक है बच के, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में वो एक दुकानदार था वहाँ पे, चाय पिए और उससे पूछे तो बोला कि अभी लक बाई चांस है यहाँ पे कुछ मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। तो एक ऑटो वाला आया, लेकिन वो रुका नहीं, बोला नहीं हम रिक्शे नहीं लेंगे, मतलब ऑटो चलाता है इतना डरता है। और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ऑटो आया, तो वो हम लोग को फिर छोड़ा। अभी यहाँ पे झरना के पास पहुँच गए, और आपको थोड़ा थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा पानी का, जो पानी बह रहा है उसका बहाव जो है। अरे अभी हम लोग पहुँचे कहाँ हैं, मतलब अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं। ये सिर्फ यहाँ से एक पुल निकला हुआ है, उस पुल से पानी बह रहा है उसका बहाव है। ये झरना तक जाने का एक रास्ता है जहाँ एक पुल बना हुआ है, और अभी तक हम लोग मेन झरने के पास नहीं पहुँचे हैं। अभी जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर और होगा, वहाँ पहुँचते हैं। मेन झरना से पहले रास्ते में एक और यहाँ पे पानी का तेज बहाव मिल गया, तो इसके लिए चांद को मैंने टेस्ट के लिए भेजा था, और उसके बाद अभी ये टेस्ट कर लिया, उसके बाद अब हम जाएंगे। चल मुझे समझ में आया उसने बाइक पार कैसे किया, इतना पानी है। अरे दो आदमी था ना, बाइक को उठा लिया वो, हाँ जबरदस्ती उठा के आ गया वो, हाथ में उठा के लेके आ गया क्या बाइक। डर से हालत खराब, लेकिन फिर भी पार कर लिए जैसे तैसे। अभी चलता आगे में बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे इतना तेजी में रेत चल रहा है ना, जो हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तिलहरकुंड के पास आ गए, बहुत जोरों से आवाज आ रहा पानी के गिरने का, लेकिन मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरफ मेन झरना गिर रहा है। Thank you.
यहाँ पानी गिर रहा है लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, और यहाँ इतना ज़्यादा डेंजरस है देखने में, जो यहाँ गिरने का डर है यहाँ से। तो हम अभी आगे जाएंगे वहाँ पे। यहाँ अभी नीचे हम गए हुए थे लेकिन नीचे कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव जो है ना कभी भी बढ़ जाता है, मतलब अभी जितना तेज़ी से आ रहा है ना ये पूरा फुल हो सकता है। तो इस वजह से नीचे गए थे, सूट करके ऊपर आ गए। अभी झरने के दूसरी साइड आ गए और यहाँ पर से ये गिरता हुआ पानी अच्छे से क्लियर दिख रहा है, और आप लोग को दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी टाइम हो चुका बस का, यहाँ से 4 बजे एक बस है, अगर बस मिस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि बस आने वाली है, बस मिस नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से जाएंगे हम लोग वाराणसी। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।